सिक्स एंड हाफ इंच बुनाई के बाद ये हमारा जो है फ्रंट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ये देखिए आर्म होल की हमने इतनी बुनाई कर ली है, सिक्स एंड हाफ इंच की बुनाई हमें कंप्लीट करनी थी, ये देखिए। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट हो गई और ये फ्रंट पार्ट हमारा भी कंप्लीट हो गया। और इसमें टोटल जो है हमने 22 फंदे रखे हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट के बाद अब हम आते हैं बैक पार्ट में। ठीक है, मैंने आपको हाफ यहाँ तक बुनाई करके दिखा दिया था, उसके बाद जो है यहाँ से आर्म होल की हमने कटिंग कर ली है, सेम फ्रंट पार्ट की तरह ही 4321 घटाया है, उसके बाद सीधे सीधे मैंने बुन लिया है। सीधे सीधे मैंने सिर्फ इसमें जो है 5 इंच ही कंप्लीट की हूँ, बाकी के जो 1.5 इंच है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बुनाई करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले 22 फंदे की बुनाई करेंगे अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग, अपने पैटर्न जो है वो साथ साथ बुनाई करते जाएंगे और 22 फंदे की पहले हम बुनाई। ये हमारा देखिए टोटल 22 फंदे, अब यहीं से हम टर्न कर जाएंगे और टर्न करने के बाद यहाँ पर हम 4 फंदे घटाएंगे। एक फंदे घट गए, 2 फंदे, 3 फंदे, 4 फंदे, 4 घट गए। बाकी के फंदे को हम जैसे हैं वैसे ही बुनाई कर लेंगे। फिर हम राइट साइड टर्न करेंगे और पैटर्न के हिसाब से राइट साइड की बुनाई हम कर लेंगे कंप्लीट। पूरा नहीं, जितने फंदे से हमने टर्न किए हैं उतना ही फंदे से। ठीक है, तो 22 में हमने 4 फंदे कम कर दिए तो हमारे पास जो है 18 फंदे रह गए हैं, तो उसी 18 फंदे की बुनाई हम करेंगे, फिर वहां से ही टर्न करेंगे। तो 18 फंदे की बनाई हुई, अब यहाँ से देखिए हम टर्न करके फिर यहाँ से अब 3 फंदे हम कम करेंगे। देखिए इधर से ऐसे एक फंदे हो गए, फिर इस पर डाला, ये 2 फंदा हो गया, फिर इस पर डाला, फिर ये 3 फंदा हो गया। ठीक है, बाकी के फंदे हम अपने पैटर्न के हिसाब से उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी उल्टी साइड है और सीधी साइड से भी बनाकर आपको दिखाती हूँ। धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे हमारा, 4 फंदा हमारा लास्ट का सीधा हो जाता है, वो बुन लेंगे राइट साइड में। अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग हम बाकी के फंदे जो हमने घटाने के बाद बचे हैं वो बुन लेंगे। तो
चार और तीन, फोर और थ्री हमने घटा लिए, अब हम घटाएंगे टू, तो दो फंदे एक साथ और फिर इस पर डाला और दो फंदे एक साथ, तो दो फंदे हमारे घट गए, अब बाकी के फंदे को हम बुन लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से टर्न करेंगे और राइट साइड में आएंगे और राइट साइड में हम फिर सारे फंदे को अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग राइट साइड में बुन लेंगे, बाकी के बचे हुए फंदे को। अब टोटल इसमें जो है 13 फंदे बचे हुए हैं, जिसमें एक फंदे हम फिर से लास्ट टाइम घटा देंगे और बाकी के फंदे को फिर जैसे हम बुनते हैं अपने पैटर्न के हिसाब से बना लेंगे। ठीक है, तो अब इस पर टोटल जो हमारे 12 फंदे रह गए हैं, तो इस 12 फंदे की बुनाई हम करेंगे। यदि आपकी इस घटाई के बीच में आपकी कंप्लीट हो गई है लेंथ 6.5, यदि हमारी कंप्लीट हो गई तो ठीक है, नहीं तो सीधे सीधे हम अभी एक दो लाइन बुनकर अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले मैं चेक कर लेती हूँ कि हमारी कंप्लीट हुई है या नहीं। ठीक है, तो पहले देखिए यहाँ से अब चेक कर लेती हूँ, यहाँ से ऐसे 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 देखिए, हमारी ये घटाते हुए हमारे 6.5 इंच जो है कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो यहीं पर अब हम बंद कर देंगे, फंदे को इसी पर रहने देंगे। अब देख लीजिए यहां पर एक लाइन अब बुन लेती हूं मैं इस तरह से, अब यहां पर मुझे ज्वाइंट करना होगा इसलिए मैं प्लेन प्लेन ही बना लेती हूं, एक लाइन हम डिजाइन नहीं बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अब इधर से ये वाले फंदे को हम पीछे देंगे और बाकी के फंदे को बिना बुने हम पहले इधर वाले निडिल पर टर्न कर लेंगे, ले लेंगे इस पर। लास्ट में सिर्फ जो है हमारे यहां पर 22 फंदे रहने चाहिए इस साइड की तरह। ठीक है, एक दो तीन चार पांच छह, ये फंदे की अब हम बुनाई सेम इसी तरह से करेंगे और ये जो फंदे हमारे इसी तरह से इसी पर रहने देंगे, इसमें दूसरा धागा ऐड करेंगे और सेम इसी तरह से हम बुनाई कर लेंगे जैसे हमने इस साइड से किए हैं। तो कर्ल कंप्लीट कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दूसरी साइड भी हमारी जो है कंप्लीट हो गई। अब इसे हम टर्न करेंगे ऐसे, आपको इसी तरह रखना है, इसे सीधी साइड से रखना है और फ्रंट वाले पार्ट को आप ऐसे उल्टे करके रखना है। देखिए ये दोनों सीधी पार्ट जो है दोनों अंदर अंदर रहने चाहिए इस तरह से। अब दोनों को ऐसे पकड़िए, ठीक है, और एक धागे पकड़िए, दोनों में धागे वैसे रहेंगे, बुनाई करने के बाद थोड़े इसमें भी रहेंगे इसमें भी रहेंगे, आप जिसमें आपके धागे हैं तो उसके साथ आप दो फंदे एक साथ ऐसे करके ज्वाइंट कर लेना है, सिर्फ 12 फंदे को जो हमारे पास इधर 12 फंदे बचे हैं उसी तरह से उसको ज्वाइंट कर लेना है ऐसे। देखिए दो फंदे एक साथ, एक फंदे इसका, दोनों निडिल से एक एक फंदे हम लेंगे, बुनने के बाद एक फंदा बना और ऐसे ड्रॉप कर देंगे, फिर से एक फंदा लेंगे, एक फंदा इसका, दोनों फंदा एक एक साथ ऐसे करके हम ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए ऐसे, ये
अब एक फंदा एक्स्ट्रा है तो वो फंदा हम इसके साथ में ऐसे कर देंगे। तो इधर हमारा जो है 10 का 10 फंदा हमारा बॉर्डर वाला रह गया, 2, 4, 6, 8 और ये 10 फंदे, ठीक है, इसे हम रहने देंगे। ठीक इसी तरह से हम दूसरी साइड वाले जो है फ्रंट पार्ट उसे भी हम ज्वाइंट कर लेंगे। हाँ तो वो मैं पहले ज्वाइंट कर लेती हूँ। देखिए ऐसे इसको रखना है और इधर वाले फंदे से इसको ज्वाइंट कर लेना है। ये देखिए दोनों साइड हमारी ज्वाइंट हो चुकी है, यहाँ से यहाँ तक। अब बच गए हमारे फंदे दोनों साइड से ही हमारे बॉर्डर वाले बटन पट्टी के और बैक साइड में ये जो नेक की कटिंग हमने की है। अब इस देखिए इस बॉर्डर को हमें यहाँ से यहाँ तक ले जाना है भाई, ये बटन पट्टी वाली जो है पूरे बैक साइड में हमें कवर करना है। तो किसी एक साइड से आप पकड़ेंगे, चाहे वो इस साइड से हो या चाहे इस साइड से, मैंने इस साइड से लिया है क्योंकि दोनों साइड से हमारे बटन पट्टी वाले बॉर्डर हैं। अब यहाँ से देखिए हमारे जिस घटाए हैं फंदे, तो हमारे यहाँ पर चेन दिखते हैं सीधे से, है ना, ये वाले चेन इसमें लेंगे। देखिए ये वाली चेन लेंगे और ये दो फंदे एक साथ हम बुन देंगे। तो पहले धागे का हमारा सीधी साइड है तो धागे को ऐसे करेंगे और दो फंदे एक साथ ऐसे बुनेंगे, फिर नॉर्मल जैसे बनाते हैं वैसे ही बना लेंगे। देखिए ऐसे उल्टे, फिर सीधे, फिर उल्टे, फिर सीधे, जो हमारे बटन पट्टी के बॉर्डर हैं उसी तरह बनेंगे। सिर्फ मैं ऐसे फिनिशिंग के साथ ज्वाइंट करना आपको बताऊंगी। ये लास्ट के तीन फंदे तो हम उल्टे उल्टे ही बुनते आए हैं, फिर ऐसे टर्न करेंगे और फिर तीन फंदे हम बिना बुने उतार लेंगे। ठीक है, अब देखिए धागा आगे करेंगे, उल्टा सीधा फिर उल्टा फिर सीधा फिर उल्टा और फिर सीधा और धागा आगे करेंगे और ये उल्टा और फिर साथ में देखिएगा ये साइड वाले जो हमारे चेन है, ये चेन एक साथ ऐसे लेकर के दो फंदों का ऐसे एक फंदा बना देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से टर्न करेंगे, देखिए यहाँ से हम टर्न करेंगे, देखिए एक लाइन से अभी मैंने दो लाइन बुन कर स्टार्टिंग में इधर से बुनते जाएंगे एक लाइन, फिर से मैं एक बार बता रही हूँ उसी को फॉलो करना है। ठीक है, ये तीन फंदा हमारा लास्ट का तो उल्टा उल्टा बुनाता है और फिर ऐसे टर्न करेंगे सीधी साइड में आएंगे। ठीक है, और तीन फंदे एक साथ ऐसे बिना बुने ही उतार लिया, फिर उल्टे फिर सीधे फिर उल्टे फिर सीधे फिर उल्टे और फिर सीधे और फिर उल्टे ऐसे ये हैं। और इधर वाले एक चेन लेना है हमें साइड से, देखिए इस साइड में अगली चेन हमारी ये है, ये देखिए ऐसे रख लीजिए आप, ऐसे सामने से ले लेंगे चेन तो आपको आइडिया हो जाएगा, ये चेन देखिए हमारा है ना। ठीक है, ऐसे तो एक ये वाला फंदा लास्ट में, एक ये फंदा और एक ये फंदा, दोनों फंदा एक साथ बनेंगे तो हमारा इसी तरह से ज्वाइंट होता जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने ज्वाइंट कर लिया, इतना सा हो गया ज्वाइंट यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ से यहाँ तक करते जाएंगे, यहाँ तक तो हमारी चेन है, उसके बाद हमारे यहाँ पर फंदे आ जाते हैं तो एक एक फंदे लेते जाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ से यहाँ तक ज्वाइंट कर लेती हूँ, उसके बाद फंदे में कैसे ज्वाइंट करेंगे वो भी दिखा दूंगी, सेम प्रोसेस है बट मैं दिखा दूंगी। ये देखिए यहाँ से हम ज्वाइंट करते हुए यहाँ से यहाँ तक आ गए, ये एक एक चेन के साथ हमने ज्वाइंट करते गया। अब इधर जो है हमारा बैक साइड का ये फंदा है, इसमें टोटल 22 फंदे हैं, मैंने काउंट कर लिया है, इसमें 11 फंदे तक हमें इधर से ही बाइंड ऑफ करना है। देखिए कैसे मिलाते जाना है, सेम इसमें देखिए 9 फंदे हमने बुनाई किए, 3, 6, 9 फंदे और 10th फंदा जो होगा उसके साथ में एक फंदा और एक्स्ट्रा इसके साथ वाले
ले लेंगे और ऐसे बुन लेंगे। फिर यहाँ से टर्न करेंगे, सेम प्रोसेस है, सिर्फ उधर फंदे नहीं थे, उधर चेन थे, इधर फंदे हैं। देखिए ऐसे, फिर इधर से टर्न करेंगे, तीन फंदा हमारा बिना बुने ही निकाल लेते हैं हर बार। धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा सीधा जैसे बुनते हैं उसे बुनेंगे। नौ फंदा, दसवां फंदा में हम उसके साथ अगले फंदे को लेकर हम ऐड कर लेंगे। देखिए इसमें नौ फंदे हमने बुन लिए, तीन छ नौ, ये दसवां फंदा है, दस फंदा और उसके साथ ये वाले फंदे लेकर हम ऐसे सीधा बुनाया, धागा आगे करेंगे और ये उल्टा फंदा ऐसे बुन लेंगे। तो इस तरह से हमारा इधर भी ज्वाइंट होता जाएगा। तो यहाँ पर हमें 11 फंदे यहाँ तक करेंगे, उसके बाद फिर इधर से भी हम लेंगे बॉर्डर और सेम इसी प्रोसेस से फिर यहाँ से यहाँ तक हम करके और ज्वाइंट कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर ज्वाइंट किया था, ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी दोनों बॉर्डर को ज्वाइंट कर लेंगे। तो इतना मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पूरा ज्वाइंट करने के बाद ये देखिए बनकर इस तरह से तैयार हो गया। अब जहाँ तक स्लिप्स की बात है, स्लिप्स की जो बॉर्डर हैं वो बॉर्डर मैंने ऑलरेडी और भी कई वीडियो में बताया है, उसका मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से क्लिक करके देख लेंगे और बना लेंगे। तो बनाइए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।